मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। आप ये जो स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं ये आज शाम की है, जहां दंगाइयों ने वाहनों को आग लगा दी है। ये आज शाम की चांदबाग की तस्वीरें हैं। दिल दहला देने वाला ये मंजर दिल्ली का है। पुलिस इनके बाद दंगाइयों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े, और खबर ये भी है अब कि सुरक्षा बल के जवान इलाकों में गश्त लगा रहे हैं और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में चार जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिनमें जाफराबाद, मौजपुर, करावल नगर, बाबरपुर शामिल है। हिंसा में मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 10 पहुंच गई है। दिल्ली के हालात बेहद ही तनावपूर्ण हैं। आपको बता दें कि जेके न्यूज़ चैनल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मौजपुर में न्यूज़ कवर करने के दौरान उनके पत्रकार आकाश को गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, मगर हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। वहीं एनडीटीवी के पत्रकार सौरभ और अरविंद गुणशेखर पर भी दंगाइयों ने हमला किया है। बहरहाल दिल्ली के हालात ठीक नहीं हैं। और इसी बीच बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने बयान दिया है। मनोज तिवारी का कहना है कि हिंसा जो हो रही है दिल्ली में, ये हिंसा एक साजिश है। सुनिए मनोज तिवारी ने क्या कहा है। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। हम लगातार लोगों में शांति बनाने के लिए, संयम बरतने के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग खौलाने में लगे हैं लोगों को, और वो भी उस टाइम जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत के दौरे पे हैं। भारत और अमेरिका का ये जो संबंध शुरू हो रहा है, ये आगे आने वाले विश्व के भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस समय पे कोई इस तरह से दिल्ली में हिंसा कराने की कोशिश किया है, हम समझते हैं एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। दिल्ली में 3 दिन से हिंसा जारी है और 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, यानी कि दिल्ली सुलग रही है और इसमें पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल मनोज तिवारी हिंसा साजिश बता रहे हैं। वहीं बीजेपी के ही कपिल मिश्रा का बयान सुने, किस तरह से जाफराबाद चांदबाग को खाली करने की बात कह रहे थे। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। और हम ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि ये जाफराबाद खाली करो, ये चांदबाग खाली करो, दूसरा शाहीन बाग दिल्ली में बनने नहीं देंगे। ये शेर शेरनी, बकरी बकरियां, सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। आखिर कौन लोग हैं वो जो दिल्ली को खुलेआम जला रहे हैं? आखिर पुलिस उन्हें कार्रवाई कर गिरफ्तार क्यों नहीं करती? ये सबसे बड़ा सवाल है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।